मालिकी सजन बाजी प्यारी सत्संग जियो सच्चे दाता रहबर के पवित्र वचन भजन द्वारा आपकी सेवा में रखते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रय। नाम दयालु प्रभु मिलने की वारी है, ये मिलने की वारी है। नाम दयालु प्रभु, नाम दयालु अल्लाह, नाम दयालु राम, मिलने की वारी है, ये मिलने की वारी है। चक्कर लगाया जी, कष्ट उठाया जी, बड़ा दुख पाया, मानस जन्म कहीं फिर याद आया। कान सोने में इसे जा तक जारी है, क्यों जा तक जारी है। नाम दयालु जो आया मन ने बुलाया जी, किस लिए आया ना समझ है पाया, माया का जाल जोग विषयों का पाया। फंस गया जो मार सके ना उड़ारी है जी, हो गई नजरी है। नाम दयालु संगल पाओ बड़ा है जी, सख्त बड़ा है, रोए खड़ा है भाई पुत्र परिवार बड़ा है। साथ ना देवे माता बेटा कोई नारी है, ना बेटा कोई नारी है। नाम दयालु प्रभु मिलने की वारी है, मिलने की वारी है। परिवार का जो करता अंगार है, ये झूठा प्यार है, ये दिन दो चार है, जगदीश राय एक झूठा संसार है। सपने के पीछे लग उम्र गुजारी है, क्यों व्यर्थ गुजारी है। नाम दयालु मारो मार करता जी, पाप है करता, न मालिक से डरता, हरी से हरी चोर काम है करता। लोग चोर की भी आ गई वारी है जी, आ गई वारी है। नाम दयालु मालिक मिलने की वारी है, ये मिलने की वारी है।
पांच जोरों ने मिलन तेरा लूटा जी पी जाना झूठा जी दिन रात लूटा संत शरण बिन पी जाना झूठा मल लूटा के खड़ा मल लुटा के खड़ा रो रहा व्यापारी है जी रो रहा व्यापारी है नाम थे आलो शिकारी तेरे पीछे लगाए ना तू बगाए ना कोई जगा है पल से बचने की नाम ही दबाए शाह सतनाम जी शाह सतनाम जी रोज पुकारी है जी रोज पुकारी है नम दयालो नम दयालो प्रभु नम दयालो अल्लाह नम दयालो वैगो मिलने की वारी है ये मिलने की वारी है मिलने की वारी है मिलने की वारी है ये मिलने की वारी है धन धन सदगुरु तेरा ही आस तो अभी आपने भजन में सुना नम दयालो प्रभु मिलने की वारी है ये मिलने की वारी है मनुष्य शरीर अल्लाह वाहिगुरु मालिक को पाने का पहला और आखिरी मौका है। इसमें जो जीवात्मा मालिक का नाम जपती है वो आवागमन से आजाद होके मालिक की दया में रहमत के काबिल बन जाती है। जो भौतिकतावाद में दुनियादारी में उलझ जाते हैं वो जन्म मरण में ठोकरें खाते रहते हैं। तो सच्चे दाता रहबर ने पुकार पुकार के कहा है मनुष्य जन्म मिला है भाई इसमें मालिक का नाम जप लो मालिक की भक्ति इबादत कर लो बार बार समय मिलेगा नहीं यह बेशकीमती समय है। ऐसा समय ना आत्मा को पहले कभी मिला और ना फिर मिलने के जल्दी से चांसेज हैं। इस अवसर का खास करके सुनहरी अवसर का अगर जीव आत्मा फायदा उठाना चाहे तो अल्लाह मालिक के नाम का जाप करे क्योंकि मालिक का नाम आवागमन से आजादी दिलाता है। 84 लाख जन्म में भटकते भटकते बिल्कुल आखिर में आके मनुष्य शरीर मिला है और इसमें अगर मालिक को याद किया जाए तो इस मृत्यु लोक में रहते हुए भी परमानंद की प्राप्ति जीवात्मा को हो सकती है। जो काम आया उसको भूल गया मन ने भुला दिया दुनियादारी में खोया रहा दुनिया के साथ जो समान दुनिया का जितना भी काम धंधा है वो अपना लगता है और जो परम पिता परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु वाला काम है वो सब का सब पराया लगता है। इसी काम धंधे में काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया में आज संसार खोया हुआ है। भौतिकतावाद में बुरा हाल है कोई रिटायरमेंट नहीं गवर्नमेंट भी एक समय पर रिटायर कर देती है कि जा अब तू रिटायर है भाई अब तेरे से काम नहीं होगा लेकिन माई का लाल घर आके फिर से पंजाली में सिर दे लेता है कहता नाना अभी तो तजर्बा लेके आया हूं मैं अपने तजर्बे से ये करूंगा वो करूंगा आसमान में टाकी लगा दूंगा ये नहीं पता कि यूं यूं है तो ठीक है अगर यूं तो गया क्या पता मालिक का बुलावा कब आ जाए पटाखा सब बोल जाए कोई भरोसा तो है नहीं ना जी हमने बूढ़ों को ज्यादा पागल होते देखा है मालिक के नाम से भागते देखा है जवान अवस्था में हालांकि मालिक को लोग बड़ा तड़फ के मिलते हैं पुकारते हैं सुमन करते हैं पर वो कहते हैं ना पड़ के कड़ गया ये कड़ना पता क्या होता है कई बार हिंदी भाषियों को समझ नहीं आता दूध जो होता है ना घरों में गांव में लोग रख देते हैं और उसके नीचे गोबर की थेपड़ी वगैरह लगा देते हैं तो उसमें धीरे 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 वो दूध उबलता रहता है उबलता रहता है उबलता रहता है उबलता रहता है और बिल्कुल लाल रंग और बहुत मोटी मोटी उस पर मलाई आ जाती है तो उसको कहते पड़ के कड़ना यानी
पता नहीं कब से इंसान सोचता है मैं तो सारा ज्ञान जानता हूं, और वो मूढ़ हो जाता है, मूर्ख हो जाता है मन, क्योंकि सिमरन तो करना नहीं घंटा सुबह शाम। हां सुमरण कर ले चाहे 10 दिन पुराना क्यों ना हो तो भी मन झपट नहीं मारता, और सुमरण नहीं करता तो पुराने नए से कोई लेना देना नहीं, मन रगड़ा लगा देता है। तो सुमरण घंटा सुबह शाम हर इंसान को करना ही चाहिए। चलो घंटा नहीं, 15 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा, जितना आप कर सके, तभी आप मन की दलीलों से बचोगे। जैसा आपको बोला, दुनियादारी में गवर्नमेंट में भी रिटायरमेंट है, लेकिन ना तो काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार, ना मन माया में रिटायरमेंट है, कोई भरोसा नहीं। इंसान कब गुमराह हो जाए, कब माया के गुमन घेरी में फंस जाए, और कब अल्लाह वाहिगुरु राम से दूर हो जाए। क्योंकि ऐसे तो नहीं गुरुओं ने लिखा, संतों ने लिखा, बेपरवाजी के पवित्र ग्रंथ में यह दर्ज है, संतों की वाणी जो हमने वहीं से पढ़ी है। मन के मते चलो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोई, बेपरवाजी के हाथों के पवित्र ये लिखा हुआ है। मन के मते चलो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोई, ये भव में गौते खिलवावे, ये गुरु से बेमुख करवावे। साई जी की ये वाणी बेपरवाजी ने खुद अपने एक डायरी में लिखी हुई है। तो बहुत जबरदस्त है ये वाणी, मन के मते चलो मत कोई, कोई भी, एनीवन, कोई भी हो आप, क्योंकि जब तक मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन नहीं होते, जितने मर्जे बड़े बने फिरते रहो, मन के आप कभी भी जाड़ के नीचे आ सकते हैं, कभी भी गुमराह हो सकते हैं। सो मन के मते चलो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोई। गुरु की बात तो कड़वी लगती है ना, गुरु के कहने में नहीं चलता जीव। ये भव में गोते खिलवावे, मन भव सागर में गोते खिलवाता है। संसार में खज्जल खुआर करने से शातिर मन के अलावा और कोई है ही नहीं, या तो मन या मन मते लोग। ये भव में गोते खिलवावे और ये गुरु से बेमुख करवावे। मन ही एक जालिम ताकत है, गुरु से बेमुख कब करवा दे, सारा ज्ञान सारा सब कुछ कब खाक में मिला दे, इस मन का कोई भरोसा नहीं। हम आपको एक ऋषि की बात सुनाया करते हैं, चलो नाम रहने देते हैं। वो ऋषि थे, सैकड़ों साल तपस्या की, जंगल में रहना, कंदमूल खाना, तपस्या करते रहना, तपस्या करते रहे, करते रहे, करते रहे, लगा कि तपस्या पूर्ण हो गई। जिसकी भी तपस्या करते थे, देव आराध्य ने उनको खुशी दी, वहां से चल पड़े। रास्ते में एक दरिया था, नाव के द्वारा पार किया करते थे, तो नाविक के घर अंदर से कुंठी लगी हुई थी, नाव किनारे पे खड़ी थी। ऋषि जिसने कभी इंसान जात को देखा ही नहीं था, सैकड़े साल हो गए, सिर्फ जंगलात घोर वन में जाके तपस्या की, तो उसने दरवाजा खटखटाया, तो अंदर से आवाज आई, कौन है? तो उन्होंने कहा, मैं, हम ऋषि हैं और समुद्र पार करना चाहते हैं। तो अंदर से लड़की की एक आवाज आई, जी महाराज, जी बाबा जी, हम आ रहे हैं। वो लड़की बाहर आई, ऋषि को नाव में बिठाया, अब कभी किसी को देखा नहीं, मन ने करबट बदली। कैसे मन करबट बदलता है? करी कराई बंदगी सैकड़े सालों की, क्योंकि इसने तो ख्याल ही दे देना, किसी को काम वासना का, किसी को क्रोध का, किसी को लोभ, किसी का मोह ममता बड़ी जागती है, किसी के लोभ लालच का चक्कर पड़ जाता है, कोई अहंकार में पागल हो जाता है कि मैं जानता हूं, मुझे सब पता है, बड़ों को ऐसे कहते देखा है अहंकार में। तो ऋषि मुनि के अंदर भी मन ने करबट बदली और काम वासना की हिलोरें उठने लगी। समुन्दर था, चारों तरफ हरियाली, नाव, और उस पे वो लड़की अकेली, तो कहने लगा कि मैं आपसे गंधर्व विवाह करूंगा। लड़की कहने लगी, हे ऋषि, आप महान हैं, हम तो गंदगी के कीड़े के मानिंद हैं, मछलियां खाना, मछलियां पकड़ना हमारा काम है। ऋषि कहने लगा, नहीं, मैं गंधर्व विवाह अभी करूंगा। तो वो कन्या फिर भी कहने लगी, हे ऋषिवर, देखिए मेरे में से बदबू आती है, कहां आप में चेहरा ललाट आपका दम दमा रहा है, आप तपस्या करके आए हैं, तो आप मुझे क्षमा कीजिए, मेरे में से बदबू आती है। तो ऋषि ने पानी की अंजलि भरी और अपनी तपस्या के बल पे कहने लगा, जा गंधारी हो जा,
तो उस लड़की में से खुशबुएं आने लगी, सारी जो अंदर से गंध थी वो चली गई और बदबू चली गई और सुगंध से शरीर भर गया। लड़की फिर कहने लगी, नहीं ये ठीक नहीं है, देखिए ये समुद्र देव हैं, ये देख रहे हैं। उसने फिर अंजलि पानी की भरी और यूं फेंके, जा टापू बन जाए, समुद्र रास्ता छोड़, तो वहां जगह में टापू बन गया, समुद्र रास्ता छोड़ गया। लड़की फिर भी जसद की पकी कि ना हरिशिवर, आपकी भक्ति ऐसा ना कीजिए, देखिए ये सूर्य देव या चंद्रदेव जो भी थे ये भी देख रहे हैं। तो उसने अंजलि भरी और फिर कुछ बुदबुदाया, अपने तपस्या का जोर जो बचा खुचा था लगाया और पानी ऊपर फेंक दिया कि जा बादल हो जाए, ये छुप जाए। तो बादल हो गए घने, वो छुप गया और जब निगाह मारी तो अंदर कुछ भी नहीं। इतने सालों की बंदगी, इतने सालों की तपस्या काम वासना के एक भयानक तीर ने पल में खत्म कर दी। तो प्यारी सत्संग जियो, काम वासना, क्रोध, लोभ, लोभ लालच, क्रोध गुस्सा और मोह ममता, कभी बेटे का, कभी बाप का, कभी मां का, कभी बहन का, पति पत्नी का, कभी किसी का भी, क्या पता कब करी कराई भक्ति को डुबो दे। या फिर अहंकार, बहुत अहंकारी पुरुष होते हैं। आप सोचते हैं जो सत्संग में आ गया वो तो सुधर जाता होगा, ना ना, सत्संग का फल आत्मा के कोटे में तो जमा होता है, पर काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन और माया से तभी बचा जाएगा। नंबर एक दृढ़ विश्वास, नंबर दो सुमरण का पक्का, नंबर तीन परमार्थी और अपने सदगुरु से भय खाने वाला जीव इन सातों से बच सकता है, अन्यथा इनसे बचा नहीं जा सकता। चाहे सुबह शाम हाजिरी भरो, उसका फल आपको 100% मिलेगा, आत्मा का कल्याण होगा ही होगा। लेकिन जीते जी अगर इन सातों से जीत हासिल करना चाहते हैं तो सत्संग सुन के अमल करना लाजमी है। सत्संग कुछ कहती है, करते आप कुछ फिरते हो, दिखते कुछ हो, लिफाफा कुछ और है, मजमून कुछ और है, पढ़ते कुछ और हो, गिरगिट भी डर रहा है कि ये तो मेरे बाप पैदा हो गए कलयुग में, वो बेचारा छुपी गया, कभी कभी नजर आता कहीं कहीं, क्योंकि चलते दो टांगों वाले गिरगिट बहुत हो गए। आदमी के सामने आदमी रंग बदलता है, जब गुरु पीर फकीर के सामने बदलता है उसका हशर क्या होने वाला है, कहने सुनने से परे है। तो ऐसे लोगों को गिरगिट की तरह रंग बदलते देखा है। अजीबोगरीब संसार, अजीबोगरीब ये दुनिया है। तो ऐसे घोर कलयुग में, ऐसे भयानक समय में परम पिताजी बेपरवाह सच्चे दाता क्या कह रहे हैं, नाम ध्यालो, बस नाम जप लो भाई, बचना है तो कोई पता नहीं कौन सा चोर कब, लोभ के पीछे लग मारो मार करता जी पाप है करता, ना मालिक से डरता कोई, सतगुरु पीर फकीर अल्लाह वाहिगुरु का डर नहीं रहता। जब मोह लोभ लालच प्रबल हो जाते हैं बस फिर तो उसको चारों तरफ सोने की अशरफियां नजर आती हैं, सब कुछ बुला देता है कि मालिक की कृपा से ही ये मिली हैं, अरे क्यों भूल गया, क्यों नमक हराम हो गया, वो अल्लाह वाहिगुरु राम ने सब कुछ दिया है, वो देने वाला, उसका शुक्राना कर जितना कर सके, जो जिंदगी बची है उस मालिक की लेखे लगा, क्यों खज्जल खुआर होने की तैयारियां हैं, क्यों दर दर ठोकर खाने की आदत प्रति, क्यों लटर बन रहा है, क्यों गल से पटा उतारता है, पटे को ही सलाम है। सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु के नाम का पटा है तो नमस्कार है, पटा निकल गया तो दर दर जाए, दूर दूर होए, कोई नहीं पहचानता फिर। इसलिए भाई अल्लाह वाहिगुरु के नाम का पटा गले में डाल के रखो, उसे निकलने ना दो, मन जोर लगाता है, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया, यानी सातों मिलके जोर लगाते हैं कि आपके गल से पटा उतर जाए ना, कभी भी उतरने ना दो। राम नाम का सुमरण करो, अगर आपसे गलती हुई उसकी माफी लो, और सुबह का भूला शाम को वापिस आए वो भूला नहीं होता, मालिक उस पे दया में रहमत जरूर बरसा देते हैं। तो यही भजन में बेपरवाह जी ने फरमाया, लास्ट के अंतर में भी लिखा है, काल शिकारी तेरे पीछे लगा है, ना तू भगा है ना कोई जगा है, काल से बचने की नाम ही दवा है, शाह सतनाम जी रोज पुकारी है। बेपरवाह जी कहते हम तो रोज पुकारना होता है, हाथ जोड़ के, मिन्नत से, प्यार से, डांट के, हर तरीके से पुकार 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 पुकार,
कह रहे हैं नाम जप लो भाई, जप लो भाई, जप लो भाई। वे प्रभा जी ये कह रहे हैं कि काल शिकारी पीछे घूम रहा है तेरे, तेरी मत मार देता है, ये बुद्धि खोटी हो जाती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुषों को रगड़ा चढ़ा देता है। बचते वही हैं जो दृढ़ विश्वास के साथ सतगुरु के हर वचन को मान लेते हैं, क्योंकि ज्यादा वचन नहीं मानते। परमपिता जी के शब्दों में है, कर बार तेरा कोठी नू हथ न लाई। पुराने जमाने में गांव में बेपराज ने भजन इसलिए लिखा भजन में, पुराने जमाने में गांव में कोठी एक जगह दीवार के बीच में एक छोटी सी जगह रखते थे, जिसमें नोट वगैरह सेफ कह लो आज के युग की, कि वो सेफ वगैरह होती थी, उसमें पैसा सोना चांदी या अशरफियां उसमें रख देते थे। तो कहने लगा घर बार, कहता घर बार तेरा है पर कोठी नु हाथ न लाई। बताओ अब मिट्टी को क्या खाना है क्या, आदमी ने चाटना है उसको घर बार को। सो कहने का मतलब ये कलयुग है, बेपरवाजी कह रहे हैं काल शिकारी तेरे पीछे लगा है, ना तू भगा है, ना तो तू सुमण करता घंटा सुबह शाम, ना नूरी स्वरूप के दर्शन हुए, ना मालिक के वो उस प्यार मोहब्बत के काबिल बन पाया जिसके बनना चाहिए था। काल से बचने की फिर एक ही दवा है, नाम दवा है। शाह सतनाम जी रोज पुकारी है, नाम दयालो प्रभु मिलने की वारी है, कि भाई नाम जपा करो, और कोई तरीका नहीं कलयुग में ओढ़ निभाने का। मालिक से जैसी प्रीत लगाई है आखिर तक निभ जाए। कबीर जी और संत महापुरुषों ने लिखा है कि कोहे नूर तो क्या, उसके पांव के बराबर भी कोई दुनिया की दौलत नहीं है जो इस कलयुग में आखिर तक ओढ़ निभा जाता है। सो भाई ओढ़ निभाने का तरीका सिर्फ एक ही है कि सुमन करो, वचनों पे रहो, सातों से लड़ो, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया से।